राम मंदिर के ट्रस्ट में सीएम योगी को शामिल करने की उठी मांग। महाराष्ट्र की राजनीति पर ओवैसी का तंज, कहा पहले निकाह होगा फिर तय करेंगे बेटी होगी या बेटा। भ्रष्ट केंद्रीय कर्मचारियों पर कार्रवाई की अनुमति नहीं दे रही सरकार, सीवीसी। झारखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी एलजेपी, 50 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। चौथे दिन भी बालाने की बंपर कलेक्शन, कुल कमाई 50 करोड़ के पार। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राम मंदिर के निर्माण के आदेश मिल गए हैं और इसके लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने के लिए कहा गया है। वहीं इस ट्रस्ट में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को शामिल करने की मांग भी तेज हो गई है। दरअसल प्रयागराज के साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ को ट्रस्ट में शामिल करने की मांग की है। अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का मानना है कि महंत योगी आदित्यनाथ के गुरु ब्रह्मलीन अवैद्यनाथ महाराज की राम मंदिर के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ को सीएम होने के नाथे नहीं बल्कि गौरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर की हैसियत से राम मंदिर के ट्रस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में सरकार गठन के लिए गहमा गहमी के बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेफाक-उल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य की राजनीति पर तंज कसा है। ओवैसी ने एक सवाल के जवाब में तंज कसते हुए कहा कि पहले निकाह होगा, उसके बाद सोचेंगे कि बेटा होगा या बेटी। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और शिवसेना में कोई अंतर नहीं है, मैं इनमें से किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करूंगा। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी से जब पूछा गया कि अगर महाराष्ट्र में एनसीपी का मुख्यमंत्री बनता है तो उनकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा, इसके जवाब में ओवैसी ने कहा पहले निकाह होगा, उसके बाद सोचेंगे कि बेटी होगी या बेटा। अभी तो निकाह ही नहीं हुआ है, कुछ नहीं कह सकते, ये सब खेल हो रहा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग पिछले 4 महीने से केंद्र सरकार के 100 कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के मामलों में केस फाइल करना चाहती है, लेकिन उसे इस बात की अनुमति नहीं मिल रही है। इन कर्मचारियों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारी हैं। इनके अलावा इस सूची में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारी भी शामिल हैं। सीबीसी के अनुसार नियमों के तहत भ्रष्टाचार के आरोपी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ केस फाइल करने के लिए 4 महीने में मंजूरी देनी होती है, लेकिन केंद्र सरकार अनुमति नहीं दे रही है। इसी वजह से इन 100 कर्मचारियों के खिलाफ जांच करने में देरी हो रही है। झारखंड में सत्ता में वापसी की कोशिशों में लगी भारतीय जनता पार्टी की जोर का झटका लगा है। सहयोगी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी ने झारखंड में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि आज शाम तक पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची का ऐलान भी हो जाएगा। राज्य में बीजेपी की सहयोगी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि झारखंड में चुनाव लड़ने का आखिरी फैसला प्रदेश इकाई को लेना था। लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड प्रदेश इकाई ने यह फैसला लिया है। पार्टी 50 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। आज शाम तक पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची का ऐलान भी हो जाएगा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हिट मशीन बन चुके आयुष्मान खुराना की हालिया रिलीज बाला बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। फिल्म ने पहले दिन की कमाई से ही एक नया रिकॉर्ड बना लिया था। ये फिल्म आयुष्मान खुराना की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल करने वाली फिल्म है। वहीं फिल्म ने रिलीज के अपने 4 दिनों में ही 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म की अगर हम हालिया कमाई की बात करें तो फिल्म ने सोमवार को वर्किंग डे होने के बाद भी अच्छी कमाई की है। फिल्म ने सोमवार को 8.26 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्म ने
ड्रीमगर्ल के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया है। ड्रीमगर्ल ने रिलीज के चौथे दिन 7.43 करोड़ की कमाई की थी। वहीं बाला ने इस आंकड़े को पीछे छोड़ते हुए 8.26 करोड़ की कमाई कर ली है।